बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ट्रेन छूटने वाली है, 10 मिनट बाकी मात्र। एनआर पे अगर कोई गाड़ी आप पकड़ने आएंगे तो इतना काफ़ी ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। जल्दी 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है एक जर्नी लखनऊ से बरेली के बीच। ट्रेन नंबर है 22453 राजरानी एक्सप्रेस, जो लखनऊ जंक्शन से मेरठ सिटी की ओर जाती है। हमको बरेली तक जाना है, गाड़ी छोड़ने में हमारे सिर्फ 10 मिनट बाकी है, इससे थोड़ा सा हाफ हूँ, भाग रहे हैं हम। हमारे साथ हमारे भाई आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, एक भाई और है जो अभी गाड़ी पे है और लगातार उनका कॉल आ रहा है, सीट रोक के रखी है। आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। ट्रेन छूटने में 8 से 9 मिनट है और अभी हम लोग हैं एनआर पे, गाड़ी जाएगी एनआर से, वो करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम लोग जा रहे हैं बहुत ही तेजी में। बड़ी बढ़िया लग रहा है, ट्रेन छूटने वाली है, 10 मिनट बाकी मात्र। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। आसिफ भाई, वो सामने है एनआर जंक्शन, हमको वहीं जाना है, वहीं पर हमारी गाड़ी है, 5 नंबर से छूटेगी गाइस। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 1425। वो है लास्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 6, ये है 4 और 5, इनके ही बीच में चलना है हमें। एनआर पे अगर कोई गाड़ी आप पकड़ने आएंगे तो इतना काफ़ी ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। वो इसका रीज़न ये है कि इसके आगे तो लाइन है नहीं, तो जो भी लोको आता है उसको आगे से गाड़ी से हट के उसको बैक जाने के लिए जगह चाहिए, यही रीज़न है, जो गाड़ी को बहुत पीछे खड़ा किया जाता है, आपको बहुत चल के जाना होता है। चलिए हम चल रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो गई है, काफ़ी भागना पड़ा है, लेकिन फाइनली हम आ गए हैं अपनी ट्रेन के पास। चलिए आपको दिखाते हैं। भागो भागो भागो, मुरादाबाद के रास्ते मेरठ जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 2003 लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। इसका डिपार्चर 3:25 या 40 मिनट का कुछ है, जो रात में 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा देती है आपको। ये हम लोग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गए। टाइम रहते हम लोग अपनी गाड़ी पे आ गए, बैठ गए, अंदर जगह नहीं है, लेकिन भीड़ ज़्यादा है इसलिए जगह नहीं। फिलहाल हमारी गाड़ी टाइमली डिपार्चर हो चुकी है लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी यहाँ से सीधा ये बालामोर गई, बालामोर से हरदोई, शाहजहाँपुर, फिर बरेली। बरेली पहुँचने का इसका टाइमिंग है 18:08 लगभग 6:15 के करीब, देखते हैं कितना टाइम लगती है। और फिलहाल तो यहाँ से राइट टाइम छूटी है, बने रहिए, आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको। ये सामने मेट्रो का ब्रिज आप देख रहे हैं और मेट्रो आ भी रही है, लखनऊ मेट्रो 4 कोच की अभी मेट्रो है, ये ज़्यादा भीड़ नहीं है इसके लिए, अभी इसके कोच बढ़ाए भी नहीं गए। इधर आना है क्या? नहीं भैया, हमारा D4 में है। अच्छा, छूटने वाली थी किसी तरह बाइक के लिए। अच्छा, मतलब मिल गई है। हाँ, बस ये कहिए आप, मिल ही गई। Thank you.
ये यहाँ से रूट डाइवर्ट होता है, एक रूट चला जाता है लेफ्ट साइड वाला कानपुर की ओर, और ये जिस पर हमारी गाड़ी है ये मुरादाबाद की ओर जाता है। तरडिया बाईपास है, इसके भी ट्रैक बढ़ा दिए गए, सवारी गाड़ी जो है देखो कभी ना कभी तो चालू हो जाएगी, है ना। जल्दी 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 क्या हुआ? टी फोर में है, काफ़ी दूर है मेरी, पता नहीं कितने टाइम रुकेगी। यहाँ स्टॉप नहीं है तो ऐसे रुकी है, इसीलिए बैठना उतरना ठीक नहीं। स्टॉपेज का पहला कहाँ पे है इसका? बालामो फिर हरदोई। पिछले आधे घंटे से करीब हम आलमनगर स्टेशन पे खड़े थे, तो फाइनली हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। आधा घंटा ये लेट यहीं हो चुकी है, बाकी बरेली कितने बजे पहुंचेगी ये नहीं पता। ये आलमनगर गुड्स यार्ड है, यहाँ पर सीमेंट वगैरह या भी जो भी अगर तेल वगैरह की जो भी कंटेनर आते हैं वो यहीं पर अनलोड होते हैं और यहाँ से पूरे शहर में जाते हैं। लड़के हमारे क्या कह रहे हैं? ये मेरे आसिफ भाई और ये है हमारे तीसरे पर्सन जिनकी मैंने बात की थी, दानिश। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद दानिश। कमाल है, मेरा दोस्त है इनका, मुझे पूरा नाम नहीं याद। दानिश भाई कहाँ? याद रखो, अब याद रखेंगे, अभी वीडियो बार बार देखते रहेंगे हम तो इसमें याद रहेगा। भाई जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ट्रेन आपकी खड़ी हो सामने की पटरी से, कोई भी ट्रेन आ रही हो, तो पटरी पर ना बैठें, अपनी जान को जोखिम में मत डालें वरना सारा हीरोगिरी निकल जाती है। आगे कोई गाड़ी है? 2:25 पर राइट टाइम डिपार्चर हुआ था इस गाड़ी का, लेकिन आलमनगर आधा घंटा लेट पहुंची है। उसके बाद आलमनगर से जैसी चली है काकोरी के आउटर पे रोका है, आधा घंटा पौन घंटा वहां रुकी है, अब आके काकोरी स्टेशन पे भी रोक दिया। ये भाई साहब हमारे बहुत उदास है, पहचानते हैं। दानिश भाई कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बुलेट ट्रेन की जगह हवाई ट्रेन चले तब ठीक रहेगा, बुलेट ट्रेन तो कामयाब होगी नहीं कभी। जो चल रही है उसको तो सही से नहीं चला पा रहे, बाकी बुलेट ट्रेन पे कैसे आएंगे क्या होगा पता नहीं इस देश का। 1.5 घंटा यही लेट हो गया है, बरेली पहुंचने का टाइम उसका 6 बजे का है, अब मुझे लगता है 8:30 बजे से पहले नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंच जाए तो समझिए बहुत सही पहुंच गई 8 बजे भी, उसके ऊपर भी हो सकता है। आधे घंटे के स्टॉप के बाद हमारी गाड़ी काकोरी से डिपार्चर हो चुकी है, फिलहाल तो चल रही है, अभी चल रही है, मतलब तक चलेगी ये नहीं पता। इधर से लेके पूरा बालम उतर आम ही आम, आलमनगर से स्टार्ट हो जाता है। कौन सी में है? ये है बेतवा, काफी अच्छी स्पीड पर चल रहा है आप देख सकते हैं।
से भाई क्या कहेंगे, ट्रेन लेट चल रही है हम लोग की एक घंटा लेट होगा। ठीक ही है, मानसून में जब आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं किसी भी ट्रेन या मतलब किसी भी ट्रेन से या बस से या जैसे भी या अपने कार से, तो बारिश के टाइम पे जो आपको खेतों में हरियाली दिखती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए हर तरफ धान लगे हुए हैं और सिर्फ हरा है, हरा हरा है और कुछ भी नहीं। ट्रेन से सफ़र करने का सिर्फ अपना अलग ही मज़ा है, जो कि बस में नहीं है, कार में नहीं है। ट्रेन ट्रेन होती है, जो ट्रेन लवर्स हैं वो तो समझ सकते हैं कि ट्रेन में सफ़र करना कैसा लगता है। चलिए हम पूछते अपने आसिफ भाई से। आसिफ भाई आइए भाई, आपको ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है या बस का? अरे मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ट्रेन से। ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है तो हम सभी ट्रेन लवर्स हैं। इतने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ट्रेन लवर्स हो, लगभग सभी को ट्रेन में ही सफ़र अच्छा लगता है। बहुत कमी होंगे जिनको बस में अच्छा लगता है, ट्रेन का सफ़र नहीं अच्छा लगता। गाड़ी संडीला में खड़ी है, एक घंटा लेट है और हम लोग बरेली पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। अभी और बहुत सारे स्टेशन हैं, इसके स्टॉप जो है यहाँ का नहीं है, सीधा बालमऊ, लखनऊ से सीधा बालमऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, फिर बरेली। लेकिन अभी तीन चार जगह ये ऑलरेडी स्टॉपेज ले चुकी है, वो भी आधे आधे पौन पौन घंटे के। तो एक घंटा अभी भी लेट चल रही है। कुछ दूरी कवर अप किया है, कुछ समय कवर अप किया है, लेकिन अभी और वक्त लेगी। पानी लेने उतरे थे संडीला में, हमारी गाड़ी चल दी जाएगा। अब हरदोई में लेंगे, बालमऊ में लेंगे, बालमऊ आएगा पहले फिर हरदोई आएगा। परेशान ना हो, नीचे उतर गए तुम। संडीले से निकले, बालमऊ के आउटर पे आके रुक गए हम लोग। क्रॉसिंग है ये, पब्लिक के लिए क्रॉसिंग है, गाड़ी की कोई क्रॉसिंग नहीं है। सामने सिग्नल रेड दिख रहा है, बालमऊ जस्ट आगे ही है। लेकिन क्यों लेट हो रहे मालूम नहीं भाई, राजरानी सिग्नल हो गया। राजरानी नाम है, गाड़ी की परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं है। क्यों दानिश भाई? बिल्कुल बालमऊ की वॉशिंग लाइन मेंटेनेंस होता है गाड़ी का। आओ चाचा, मल्टीमीडिया बालमऊ। ये ट्रैक सामने जो कि उन्नाव से बालमऊ को आया है, सिंगल है ना, ब्रांच लाइन है, इसका दोहरीकरण ना जाने का। अभी भी अपने समय से डेढ़ घंटा लेट है और 8 बजे का टाइम दिखा रहा है अब बरेली पहुंचने का। फिलहाल तो हरदोई भी लेट ही पहुंचे हैं और अभी एक स्टॉप और है, यहाँ से शाहजहाँपुर, उसके बाद बरेली। यहाँ तो ज़्यादा नहीं रुकी है, करीब 2 मिनट का स्टॉप था, अब फिर हमारी गाड़ी चल चुकी है। आप देखिए और देखते हैं बरेली कितनी देर में पहुँचती है। बीच में एक और स्टेशन है, उसके बीच में काफ़ी इंटरमीडिएट स्टेशन है, लेकिन इसका स्टॉप एक ही है, शाहजहाँपुर। कहने लगी कि वो टिकट करवाया,
शाहजहाँपुर। गाड़ी अभी भी हमारी पौना घंटा लेट है, एक घंटा 45 मिनट लेट है। टाइम हो रहा है 18:50 यानी 6:50 मिनट और गाड़ी हमारी पहुंच गई है शाहजहाँपुर और अभी भी गाड़ी एक घंटा 45 मिनट लेट है। शाहजहाँपुर से अब जो चलेगी तो बरेली जाएगी, सीधा बरेली स्टॉप होने वाला है। फिलहाल चलते हैं, अभी यहाँ से देखते हैं और कितना टाइम लेती है। तो भाई फाइनली हम लोग बरेली पहुंच चुके हैं। वक्त हो रहा है 8:11 रात का। गाड़ी हम लोग की पहुंचनी थी करीब 6:10 पर, लेकिन 2 घंटा लेट हो गई है और अब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। जिस गाड़ी से हम लोग सफ़र कर रहे थे राजे रानी, वो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज किसी रीज़न से वो लेट हुई है। हम लोगों को बरेली तक ही आना था और क्योंकि गाड़ी अभी मेरठ जा रही थी तो हमें मेरठ नहीं जाना था, हम लोग ने इसको यहीं बरेली में ही छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज भाई क्या कहोगे? अरे दानिश भाई कुछ बता दो यार, गाड़ी का रिव्यू तो दो। कैसा बिरयानी? बिरयानी बिरयानी भाई, भूखा है हमारा इतना, बिरयानी चाहिए। तुम बताओ भाई, गाड़ी तो बढ़िया थी। फिलहाल हम लोग अपने मुकाम पे बरेली पहुंच चुके हैं। अरे आसिफ भाई, सॉरी दानिश भाई को भूख लगी है, चलिए पहले हम कुछ खाते हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।